तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज की हमारी रेसिपी है दही भल्ले। अब इन दही भल्लों में खास बात क्या है? तो खास बात ये है कि ये जो दही भल्ले हमने बनाए हैं, ये बिना फ्राई किए हुए बनाए हैं। सिर्फ 2 बूंद तेल से ये दही भल्ले बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। चलिए बनाना शुरू करते हैं हम ये दही भल्ले। तो इन्हें बनाने के लिए हमने ये ली है धुली हुई मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल नहीं है, ये धुली हुई मूंग की दाल है जिसे हमने 3-4 घंटे के लिए अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था। और अब हम इसे डाल लेते हैं मिक्सी जार में। मिक्सी जार में दाल मैंने डाल ली है और इसमें ये करीब मैंने 5-6 कलियां लहसुन की और 4-5 हरी मिर्च डाल करके इसका पेस्ट बना लिया। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हींग और 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं और एक बार वापस से मिक्सी को चला देते हैं। तो ये लीजिए, पेस्ट हमारा तैयार है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हमने डोंगा ले लिया और डोंगे में इसे निकाल लेते हैं और बची हुई दाल को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो ये बची हुई दाल भी हमने डाली है और इसे भी पीस लेते हैं और इसे भी उसी डोंगे में निकाल लेते हैं। और अब हम इसे करीब 5 मिनट के लिए फेटेंगे। तो फेटने के पीछे का रीज़न ये होता है कि जब हम दही भल्ले बनाते हैं तो एक तो शेप बहुत अच्छी आती है और जो दही भल्ले हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब इसमें मैंने ये 1/2 चम्मच करीब डाला है ईनो। अगर आपके पास में ईनो नहीं है तो आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन ईनो डालने से जितने ये सॉफ्ट बनते हैं उतने मीठा सोडा डालने से नहीं बनते। तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें ईनो ही डालें। और दूसरी तरफ ये देखिए, मैंने गैस पर रख दिया था अपने पैन हल्का गर्म होने के लिए और इसमें मैं अब थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ। बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती है। और अब इसमें हम ये दही भल्ले बनाएंगे। छोटे बड़े जैसे साइज़ के आप दही भल्ले बनाना चाहते हैं वैसे साइज़ के आप दही भल्ले बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसे ढक देती हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें पलट देते हैं इस तरह से। बहुत आसानी से पलटने में आते हैं और सभी दही भल्लों को पलटने के बाद हम फिर से 5 मिनट के लिए ढक करके इन्हें पकाएंगे। तो ये करीब देखिए 10 मिनट हुए हैं और कितने बढ़िया दही भल्ले बनके तैयार हुए हैं। बहुत अच्छे से पक चुके हैं ये। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं लाना है हमें इन पर, बस हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इतना ही। और ये देखिए, सारे भल्ले हमें इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से पके हैं ये और कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, अब मैं आपको एक भल्ला तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से सिका है अंदर तक, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है ये। और अब हम इन्हें पानी में भिगोएंगे। तो अगर हमें जल्दी खाने हैं तो हम इन्हें गुनगुने पानी में भिगो सकते हैं, और अगर थोड़ा रुक करके खाने हैं तो आप इन्हें 2-3 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगो सकते हैं। तो पानी में मैंने नमक डाल दिया था और हींग अगर आप इस समय पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे मैंने दाल में ही हींग डाल दी थी। और करीब 2 घंटे पानी में भीगने के बाद ये देखिए कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। अब ये हमने ले लिया फेटा हुआ दही और इसमें हम इन भल्लों को डाल देंगे। हल्के हाथ से निचोड़ेंगे हम इन्हें और फिर दही में डाल देंगे। तो अगर आप चाहें तो इन्हें थोड़ी देर के लिए दही में डिप करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि दही इनमें अंदर तक चला जाएगा और जो भल्ले हैं और टेस्टी लगेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ऐसे ही बना करके दिखाती हूँ। तो ये ले लिया हमने एक बाउल और इसमें निकाल लेते हैं ये भल्ले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ इसे फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखिए, अब मैंने इस पर डाल दिया थोड़ा जीरा, काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। इसके बाद हम इस पर डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इमली की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बहुत झटपट से बन जाती है ये चटनी। तो ये लीजिए, हमारे ऑयल फ्री दही भल्ले तैयार हैं।
जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और तेल घी से परहेज करते हैं वो इन दही बल्लों को एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।